फनशॉ चियोचैन को बताता है कि मुझे डर इस बात का लग रहा है कि आप खुद को बहुत ही बड़ा पापी मानते हो। आप ऐसा मानते हो कि आपने बहुत ही बड़े पाप किए हैं और उसका बदला आपको चुकाना होगा। आपको उसके बदले में खुद को खत्म करना होगा। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि आपने बचपन में उस छोटे से रैबिट को मारा था, उसे तो आप भूल गए होंगे, लेकिन आपने जितने भी लोगों की बलि चढ़ाई थी उसे आप नहीं भूले होंगे। उसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे और खुद को ही ब्लेम करते रहेंगे और खुद को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर मैं क्या करूंगा? उसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। शुरुआत से ही ये सारे सवाल मेरे अंदर थे, लेकिन मैंने कभी भी आपसे ये पूछने की हिम्मत ही नहीं की। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे, तो क्या वो सिर्फ एक जोक था? फनशॉ ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके ये सवाल उसे पूछ ही लिया और चियोचैन ने भी ये देख लिया था। काफी देर तो वो दूसरी ओर मुंह करके ऐसे बैठा रहा। धीरे धीरे करके उसके चिक्स रेड होने लगे और वो ऐसे बोलने लगा कि कितनी परेशानी भरी बात है, अगर मैं ऐसे गायब हो गया तो फिर मेरी एक मछली तो ऐसे ही पागल हो जाएगी। वो नदी के पास ऐसे ही पागलों की तरह मेरा इंतजार करते हुए मर जाएगा, मेरी बहुत सारी पपेट बनाएगा और फिर खुद को उसके साथ ही तल्लीन रखेगा। ये सुनते ही फनशॉ के चिक्स भी रेड होने लगे। चियोचैन बोलता ही रहा कि वो तो हमेशा ही अपने मास्टर का इंतजार करता रहेगा और खुद को ब्लेम करता रहेगा और वो ये कभी नहीं समझ पाएगा कि उसके मास्टर उसके पास वापस क्यों नहीं आए। और वो फनशॉ की ओर देख के कहता है कि मैं उसका मास्टर ये सब कुछ जानने के बाद इतना बेरहम कैसे बन सकता हूँ। लेकिन फनशॉ का चेहरा देख के वो फिर से दूसरी ओर देख लेता है, क्योंकि फनशॉ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, इतना खुश कि अभी वो फट जाएगा। वो कहता है कि यू मैजेस्टीज का मतलब कि आप मेरे लिए वापस आए हो। चियोचैन अपना गला साफ करता है और कहता है कि हाँ, मैं अब बहुत ही आसानी से गायब नहीं हो जाऊंगा, मैं भी इस दुनिया के साथ जिंदा रहूंगा, तो फिर तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही फनशॉ रोने लगा, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। वो चियोचैन के हाथ में अपना फेस रख देता है और रोते हुए कहता है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ। तभी चियोचैन उसे उठाता है और कहता है कि मेरे साथ बात करते वक्त तुम्हें अब घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है और अब तुम्हें किसी के भी सामने घुटने पर बैठने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे फन चियोचैन के मैन हो और अंडरवर्ल्ड के इंचार्ज हो, तुम अब किसी से भी कम नहीं हो। फनशॉ स्माइल करता है और सिर्फ इतना ही कहता है कि हूँ, और वो मन में बोलता है कि आप मेरे गॉड हो, भले आपने जितने ही पाप किए हो, आप क्रूर हो, बेरहम हो या फिर जेंटल हो, आप कुछ भी हो, मैं आपको हमेशा अपने पूरे दिल से प्यार करूंगा और सिर्फ मैं ही एक हूँ जिसे आप कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते। वो चियोचैन को बहुत ही रफली केस कर रहा था, तो चियोचैन कहता है कि तुम फिर से पागल बन गए हो, अपने दांत इस्तेमाल मत करो, तुम एक मछली हो, अचानक से तुम एक डॉग कैसे बन गए। लेकिन फनशॉ उससे हर्ष करता है कि बस करो, मुझे अपने से दूर मत करो। फिर अगले सीन में सब लोग उस बड़े टेंट में थे और सांग जीन बहुत ही दूर से उन सबको देख रहा था। उसे अपने सारे मास्टर्स पे पूरा यकीन था कि वो लोग मिलके जुओयू को खत्म कर ही देंगे, वो लोग बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उसे चिंता हो रही थी और वो उन सबका प्लान सुनना चाहता था। तभी उसने देखा कि कुछ बटरफ्लाइज और कुछ घोस्ट बटरफ्लाइज वहाँ पे पहुँच गई है।